हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अजीत कुमार। मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी फूड एंड बेवरेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसका टॉपिक है व्हाट इज होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, एडमिशन लेने के बाद इसमें काम क्या होते हैं, नेक्स्ट क्या क्या करना होता है होटल इंडस्ट्री में। ये कोर्स अगर करते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स हॉस्पिटैलिटी कोर्स करते हैं, तो इसमें आपको होटल में जॉब मिलती है, होटल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग कंपनी में भी आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, जो डिग्री कोर्स होते हैं एंड डिप्लोमा कोर्स होते हैं, वो है। पहला है बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स। बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स में आप 3 इयर्स डिग्री कोर्स रहेगा, बैचलर ऑफ साइंस। आप इसमें साइंस से आप डिग्री ले सकते हैं। आपको सेकंड है, सेकंड में आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स, ये 1.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है 1.5 साल। ऑप्शन 2 है एंड थर्ड आपको गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। एक कॉलेज है गवर्नमेंट की तरफ से, दीनदयाल उपाध्याय, जिससे आप शॉर्ट कोर्स 6 महीने का कोर्स करके और उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, वो कोर्स करके भी आप कैटरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप अच्छे होटल में या 5-स्टार होटल में या रेस्टोरेंट में, चैन रेस्टोरेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको होटल मैनेजमेंट बीएससी होटल मैनेजमेंट 3 इयर्स डिग्री कोर्स करना चाहिए। इसमें ऑप्शन बहुत होते हैं एंड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स करके भी आप होटल अच्छे होटल में जा सकते हैं। एंड इट इज डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू परफॉर्म योर इंटरव्यू एंड आपका इंटरव्यू कैसा, किस तरह से रहता है। तो पहला एडवांटेज है, अगर हम बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो बीएस का डिग्री कोर्स होता है। आफ्टर दैट आप इसमें, इसके बाद, इस कोर्स करने के बाद, बीएससी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, आप एमबीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट अगर करेंगे तो आपको होटल तक रहेगा, उसमें भी कर सकते हैं, बट इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप वो कोर्स करके कितना ग्रो किए हैं। बीएससी होटल मैनेजमेंट में आपको अच्छे तरह से सिखाया जाएगा एंड ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड क्लास होगा एंड इसमें टाइम मिलता है, 3 इयर्स का टाइम मिलता है, जिसमें आप अच्छे तरह से कॉलेज अगर अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो अच्छे तरह से आप सीख सकते हैं। बट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 1.5 साल का कोर्स करके, शॉर्ट कोर्स होता है, उसमें बहुत ही शॉर्ट सिखाया जाता है बेसिकली। तो कंपेयर करेंगे बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स। अगर आपको होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करना है और आप उस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको ये बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए। अभी हम बताएंगे आपको कि इसमें होटल में डिपार्टमेंट कौन कौन सा होता है। अगर ये कोर्स आप करने जा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी कोर्स करने जा रहे हैं, तो इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन सा होता है। जो बेसिक डिपार्टमेंट होता है वो हमारा 4 डिपार्टमेंट होता है होटल मैनेजमेंट में। फर्स्ट होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, सेकंड है फूड प्रोडक्शन एंड थर्ड फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट एंड फोर्थ वन इज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है एंड क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट और कोर्स चूज करना है। देर आर 4 डिपार्टमेंट इन होटल इंडस्ट्री। सो आगे वीडियो देखने के लिए
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड एंड बेवरेज। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि देयर आर फोर डिपार्टमेंट्स एंड चार डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, हम क्या क्या करना होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।